जिला अस्पताल सहित जनपद में 322 केंद्रों पर 32,491 लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 8,841 और सेकेंड डोज लेने वालों में 23,650 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि 2 महिला स्पेशल बूथ, 2 अभिभावक स्पेशल बूथ, मेडिकल कॉलेज, नगर निगम, एम्स, जिला अस्पताल सहित सीएचसी पीएचसी पर कुल 32,491 लोगों को वैक्सीनेशन किया गया। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि अब तक कुल फर्स्ट डोज लेने वालों में 23,92,000 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 10,42,000 लोग शामिल रहे। उन्होंने जनता से अपील किया है कि वैक्सीनेशन ही कोरोना से लड़ने का एकमात्र उपाय है। सभी सरकारी अस्पताल, जिला अस्पताल तथा गांव से लेकर शहर तक फ्री में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। जो लोग अपना पहला डोज लगवाने के बाद सेकेंड डोज नहीं लगवाए हैं, वह अपने नजदीकी सेंटर या जिला अस्पताल जाकर वैक्सीनेशन करा ले, जिससे अपने जनपद को कोरोना से मुक्त रखा जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, कई भैया ऐसे करें वैसे करें, ठीक है ऐसे करेंगे तभी काम होगा। फिर बात कुछ फर्क होगा मीठा आने जाने के लिए। आप क्या क्या हुआ है आपका? तो अच्छा हाँ सोचते हैं जाना। आज हमारे जनपद में 322 जगहों पर टीकाकरण चल रहा था। अभी तक हमने 31,000 से ज़्यादा का टीकाकरण लगाया। इधर बहुत काफ़ी दिनों से हम 20,000 से के आसपास का लगा रहे थे। आज पहली बार बहुत अच्छा टीकाकरण हुआ है, जो 31,000 से ज़्यादा का हुआ है। लोगों में त्योहारों के बाद अब फिर से अपने को बचाने के लिए, कोरोना को मुक्त करने के लिए लोग आ रहे हैं और टीकाकरण करा रहे हैं। अभी तक हमने 34,39,000 डोज लगा चुके हैं, जिसमें से 23,96,000 फर्स्ट डोज और 10,42,000 का सेकंड डोज है। सर जनता से क्या अपील करना? जनता से हमारी अपील है कि कोरोना का एकमात्र उपचार है वैक्सीनेशन, और साथ साथ कोविड नियमों का पालन। तो वैक्सीनेशन फ्री में मुफ्त, बिल्कुल मुफ्त हमारे केंद्रों पर लग रहा है, हमारे सभी सरकारी अस्पतालों पर, गांव से लेकर के शहर तक सभी जगहों पर हमारा वैक्सीनेशन चल रहा है। आजकल बहुत आसानी से, आराम से वैक्सीनेशन हो रहा है। आप सबसे अपील है कि जो लोग पहला डोज नहीं लगवाए हैं या दूसरा डोज जिनका ओवर ड्यू हो रहा है, लगना चाहिए था अभी नहीं लगवाए हैं, वो सभी लोग हमारे केंद्रों पर आएं और अपने को पूर्ण रूप से प्रतिरक्षित कर लें, जिससे कि कोरोना महामारी को हम अपने ज़िले से दूर कर सकें।